दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इसे इसे हम दोनों की। अगर तुम दोनों आकर अपने पापा से यूं ही मिलती रही ना तो तुम्हारी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। समझी? 9 महीने बच्चे को कोख में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती, लेकिन कुछ स्वार्थी औरतें बच्चे को जन्म देने से समझती हैं कि वो माँ बन गई। सूरज बाबू एक ऐसे डॉक्टर की तरह है माँ जी, जो मरीज के अच्छे होने के लिए कम अपनी फीस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये बात स्वेतलाना को कौन समझाए, वो तो सूरज पर बहुत डिपेंड करने लगी है। देखो करण, अंधेरे में और उजाले में कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं, क्योंकि जब एक होता है तो दूसरा नहीं हो सकता। अंधेरा उजाला होने के बाद भी हम दोनों एक ही माँ के बेटे, लेकिन तुम नहीं थे तब से मैं हूं, तुम हो तो मेरी माँ से हो। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि एक नाथ पर हमला ऋषभ ने करवाया था, याद है ना? चलो, तुम्हारे जाने का फासला एक और दिन कम हो गया। तुम्हें क्या लगता है नीतू कि मुझे तुमसे दूर जाना, इतना दूर जाना क्या अच्छा लग रहा है? खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ? पासपोर्ट मिल गया है मुझे। कहाँ है? अभी वो एजेंट लेके गया है वीजा के लिए। वीजा मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिन लोगों ने इतना पैसा एडवांस दिया है, टिकट दिया है, आई एम श्योर कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वो लोग उसे भी दूर कर देंगे। मतलब तुम हर हाल में जाओगे? जाना टलेगा नहीं, ऐसा ही लगता है। और 2 दिन के बाद मेरा काउंसलेट में इंटरव्यू है। क्या तुम्हें लगता है कि इंसान बहुत मतलबी होता है? अगर मुझे नहीं भी लगता तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक जाना माना सच है कि इंसान कभी भी अपने आप से ऊपर नहीं उठ पाया है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं सुबह शाम ये दुआ करती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए और तुम्हारा जाना कैंसिल हो जाए, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरे कॉन्फिडेंस में और भी चमक आ गई है, और मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ तो ऐसा कर दिखाऊंगा कि अगर मैं जल्दी लौट नहीं सकूँ तो कम से कम वहाँ पर तुम्हें बुलाने के लायक तो बन जाऊँ। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ना जाओ? पागल, मेरे जाने का मकसद ये है कि तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं करना पड़े। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना जीऊंगी कैसे। तू प्लीज अपने आप को संभालो। कम ऑन नीतू, देखो नीतू प्लीज एक बात तुम ध्यान से सुन लो कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। I'm sorry for being so very selfish. देखो, I love you very much. और मेरा जाना हम दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए है। जिस किसी ने भी जिंदगी की लड़ाई लड़ी होगी तुम उससे पूछ लेना। वक्त यानी टाइम का ये उसूल है कि अगर वो कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं समझती हूँ ये सब, लेकिन दिल ना दिमाग की सुनता है और ना। मैं जानता हूँ कि जिस दिल में मैं बैठा हूँ वो तुम्हारे दिमाग की नहीं सुनेगा, पर आई एम श्योर कि वो मेरी जरूर सुनेगा। देखो एक बात तुम हमेशा याद रखना कि अगर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना तो मैं चाहे कहीं पे भी रहूं मेरा गला बैठ जाएगा और फिर मैं गा नहीं पाऊंगा। I'm sorry. मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। दरअसल अपने पैरों पर खड़ा होना क्या होता है मुझे पता ही नहीं। मेरा मकसद सिर्फ अपने पाँव पर खड़े होने का थोड़ी है, मेरा मकसद तो है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। अच्छा, अपने और मेरे चक्कर में ये मत भूल जाना
कि सैटरडे नाइट हमने पार्टी रखी है, तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से निकली हुई कोई भी बात वॉल्टर कभी भूला है क्या? आई लव यू। लव यू टू। Ritu, what a pleasant surprise! Welcome. कैसी हो? आ बैठो, कम। और सुनो क्या चल रहा है? Nothing much. ओहो, बहुत काम हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत busy हैं, लेकिन मैं ढेर सारी बातें करने आई हूँ और करके ही जाऊंगी। कमाल करती हो रितु। I have all the time in the world for you. और वैसे भी कोई business रिश्तों से बड़ा नहीं होता, अपनों से ज्यादा प्यारा नहीं होता, इसलिए जब तक तुम्हारा जी चाहे तुम यहाँ बैठ सकती हो, ढेर सारी बातें कर सकती हो। In fact, I love it. That is like my big brother. अच्छा ये बताओ क्या लोगी, टी और कॉफी? कुछ नहीं, सिर्फ ढेर सारी बातें करूंगी। अच्छा तो फिर ये भी बता दो कि कड़वी बातें करोगी या मीठी बातें करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो रियलिटी के आसपास रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना है सब कुछ जिंदगी से जुड़ा हुआ है। So nice to see Ritu. तुम काफी मैच्योर हो गई हो, really. वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं, और मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है। I'm sorry, लेकिन तुम्हारी इस बात से मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि अगर वाकई तुमने जिंदगी से कोई सबक लिया होता तो फिर से एक बार सुनील जैसे आदमी के साथ तुम... ऋषभ भैया, आप अपनी माँ की प्रॉब्लम को समझते हैं ना, वो आपके बगैर जी नहीं सकती और करण के बगैर रह नहीं सकती। एक मिनट, होल्ड ऑन, आई एम टोटली लॉस्ट। रंजना देवी की प्रॉब्लम तुम पर कैसे लागू होती? होती है भैया, मैं सुनील के बगैर नहीं जी सकती और आपके बगैर रह नहीं सकती। रंजना देवी तो अपनी जिंदगी जी चुकी, लेकिन मेरी जिंदगी शुरू हो रही है, और मैं किसी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहती जहाँ मुझे सुनील और आप में किसी एक को चुनना पड़े। ऋषभ भैया, एमएलए के अफेयर के वक्त आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, और सुनील ने नीतू को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे भी नहीं भूल सकती। देखो रितु, सुनील ने नीतू को जेल से छुड़ाकर जो हमारे खानदान पर एहसान किया है, वो एहसान उसे इस लायक नहीं बना देता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी की बागडोर उसके हाथ में दे दो। सूरजमुखी फूल सूरज के साथ घूमता है, और उस घूमने में उसके अपने इरादे शामिल हैं, लेकिन शायद इसी बेबसी को मोहब्बत कहते हैं। तुम्हारी इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत आखिर मोहब्बत होती है, लेकिन तुम एक बात जान लो, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। That is really nice. तो फिर सैटरडे रात को मैंने एक पार्टी रखी है और आप जरूर आएंगे। अब ये मत पूछना कि क्यों रखी है। चलिए ठीक है, नहीं पूछते। ओके, आई मेक अ मूव नाउ। तो नाइस टू सी यू, एंड आई सी दैट दिस यंग लेडी इज लुकिंग वेरी प्रिटी नाउडेज, मस्ट बी लव। ठीक है, अलाउ मी, प्लीज, बाय बाय। हेलो हेलो करण, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो करण। करण, मेरे काम का क्या हुआ, हुआ या नहीं? सॉरी मैं भूल गया था यार, काम को जल्दी करवा कर कागजात मेरे पास भिजवा दो। मुझे वो क्या क्या काम क्या है मुझे याद नहीं है यार। बड़े भुलक्कड़ हो तुम, वही पब्लिक इश्यू वाली बात। ओ हाँ यार, जल्दी ही तुम्हें तीन डायरेक्टर्स के अप्रूवल लेटर्स मिल जाएंगे, रंजना देवी, महेंद्र मल्होत्रा और निशा मल्होत्रा। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? ये बात पब्लिक में जोरों से आनी चाहिए, इस इश्यू की पब्लिसिटी धमाकेदार होनी चाहिए। गुड आइडिया करण, ऐसा ही होगा। और मुनाफे की रकमें ऐसी होनी चाहिए कि गरीब आदमी लालच में फंस जाए और इश्यू खरीदने दौड़े। जो प्रॉफिट हुए हैं और जो प्रॉफिट होने वाले हैं इस तरह के होने चाहिए कि शेयर्स बिके। ब्रिलियंट करण, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही करूंगा। बाय बाय। ये सब क्या है करण? बाद में बताऊंगा।
लेकिन पहले मैं आपको एक और लेटर दूंगा जिस पे लिखा होगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को स्वेतलाना एक्सपोर्ट्स के पब्लिक होने पर कोई एतराज नहीं है और उस पर आपको महेन मल्होत्रा और निशा मल्होत्रा के सिग्नेचर्स लेने होंगे। मुझे तो सूरज और स्वेतलाना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। प्लान क्या है जब तक सबको पता चलेगा तब तक वो बर्बाद हो चुके होंगे। सबको आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ये बिजली सिर्फ स्वेतलाना पर गिरेगी। तुम्हारे बाप की हरकतें नामर्द नुमा हो गई हैं। घाट घाट का पानी पीने की आदत हो गई उसे। अरे एक औरत की आत्मा के अंदर, एक औरत की आत्मा के अंदर उसने की हिम्मत नहीं है, कोशिश नहीं करता। अरे कोशिश क्या करेगा, उसमें काबिलियत नहीं है। वो सिर्फ औरत को छूना जानता है। हवस भरा हवस में हवस। ये सच नहीं है मम्मी, ये सच नहीं है ना? क्या सच नहीं है बेटा, क्या सच? यही कि आप गंगा के पानी की तरह पवित्र है और पापा किसी गंदे नाले की तरह। दरअसल आपके साथ जुड़े हर इंसान की बर्बादी, उसके बिखरने का, उसके टूटने का कारण आप हैं। यहाँ तक आपकी भी बर्बादी का कारण खुद आप ही है। हमें अपने आप को संभालिए प्लीज। अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर की दीवारें आपसे पूछेंगी कि आपके अपने कहाँ गए सब। क्या पिलाया था तुम्हारे बाप ने तुमको? वहाँ कोल्ड ड्रिंक जरूर उसने कुछ मिला के पिलाया होगा। आपका दिमाग खराब हो गया। आपको हम पर भरोसा नहीं, आपको पापा पर भरोसा नहीं, यहाँ तक कि आपको आप पर भी भरोसा नहीं। आप बिल्कुल पागल हो गई है। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारा बाप एक परे भी निकला, मक्का है, झूठा है। अरे प्लीज पापा को गाली मत दीजिए। मेरी गाली के लायक भी नहीं है। अगर देवी ने बेटे को जन्म दे दिया तो तेरे पापा की मर्दानगी को कौन से चार चांद लग जाएंगे? बोल, तेरा पापा कितना बड़ा मर्द है ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मम्मी प्लीज चल चल चल। एक औरत से बेटा नहीं मिला तो 10 जगह चक्कर मुंह काला कर दूंगा। मेरी बच्चे को देने के लिए इस बच्चे को जायज हक नहीं दूंगी। मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगी। मैं देख लेना। मेरा तो अपने घर में तुम इतनी रात गए अकेले क्या करते हो? ये सब देखने के लिए बुलाया तुमने मुझे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी मैडम, इसलिए बुलाया था। और फिर शराब तो हर उस आदमी की जिंदगी के साथ ही होती है जो कि। तो शराबी होने का लॉजिक सुनाओगे तुम मुझे? सेम ओल्ड मेधा। मेधा मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो क्या चीज है जो तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर ले गई, या फिर कौन है? तुम आज मेरी जिंदगी में वहां क्यों नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था? मुझे लगता है ये सारे सवाल तुम अपने आप से करो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मेरे पास इनमें से किसी का भी जवाब नहीं। मेरे पास? मेरा सारे जवाब तुम्हारे पास है। अगर तुम मानना नहीं चाहती हो तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि इतनी लंबी दोस्ती के बाद अगर तुम हंसाती नहीं हो तो रुलाती क्यों? सुनिए, हाँ, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? तुम मेरा माहौल क्यों उड़ाती हो? मेरा जब भी आमना सामना होता है तुम मुझे ह्यूमिलिएट करती हो। मैं तुम्हारा दुश्मन तो कभी नहीं था, मैं तो तुम्हारा हमेशा एडमायरर रहा हूं। सुनिए, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं, मुझे नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। ना हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम यह है
कि मैं तुम्हारी दोस्ती को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई समझता हूँ, इसे खोना नहीं चाहता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम। ये तो दिलासा देने वाली बातें जो तुम अपने आप से करते रहते हो। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी तक उस हकीकत को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि मैं तुमसे हटकर ऋषभ की तरफ चली गई थी। और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि तब भी तुम मेरे दोस्त थे और आज भी तुम मेरे दोस्त हो। वाह, कमाल की फिलॉसफी है आपकी। दो दुश्मनों में दोस्ती ना करा सको तो दोनों ही दोस्त बनकर जी लो, यही ना? मुझे गलत समझ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही। सुनील, तुम मुझे फिर एक बार गलत समझ रहे हो। मेरा झुकाव उस दोस्त की तरफ ज्यादा रहेगा जिसे मेरी ज्यादा जरूरत है, जो बिल्कुल अकेला है और जिसके पास और कोई दोस्त नहीं है। और फिलहाल ये सिचुएशन ऋषभ की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि मैं ये देखूंगी कि मेरे रहते हुए तुम या कोई और ऋषभ की बेइज्जती ना करे। मेरा मैं मानता हूं कि तुम्हारे इस दोस्त मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा से मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए जब भी आमना सामना होता है आर्गुमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, बहस होती है। अपनी आवाज और अपने शब्दों पर ना उसे कंट्रोल रहता है ना मुझे कंट्रोल रहता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया। तुम्हारी दोस्ती मेरी जिंदगी में उतनी ही प्यारी है जितनी ऋषभ को है। तुम्हें मुझे इग्नोर करने का कोई हक नहीं है मेधा, इग्नोर करने का तुम्हें कोई हक नहीं। जब भी तुम नजरें फेर लेती हो, पता है क्या होता है? अंदर से कुछ टूटता है मेधा। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में वही जगह दे रखी है जो तुमने ऋषभ मल्होत्रा को अपनी जिंदगी में दे के रखी है, फिर भी तुम मेरी हालत नहीं समझती हो। मैं समझती हूँ सुनील, मैं सब कुछ समझती हूँ। अगर नहीं समझती तो आज तुम्हारे बुलाने पे मैं यहाँ क्यों आती? आज मेरे दिल से उभर कर ये बात मेरे होठों तक आई है सुनील, के मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त थी, दोस्त हूँ और रहूंगी। हाय। Hey, bubbly, what a pleasant surprise. Come. बड़ी रिलैक्स बैठे हो? क्यों, छुट्टियां मना रहे हो? छुट्टियां? कैसी छुट्टियां? याद है ऋषभ, बचपन के दिन जब हम फाइनल एग्जाम्स के बाद छुट्टियों में कितना रिलैक्स हुआ करते थे, वैसे ही आज तुम बबली नाम के एग्जाम के बाद रिलैक्स नजर आ रहे हो। बबली, बचपन की मासूमियत खो देना वही तो जवानी का पहला कदम होता है, वरना बचपन तो कितना अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। सुबह सुबह स्कूल जाओ, स्कूल में शरारतें करो, फिर घर आओ, घर में शरारतें करो। तुम्हें याद है हर दिन स्कूल के बाद हम कैसे एक दूसरे को ढूंढा करते थे? मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पहुंच जाता था और तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती थी। हाँ, ना बीते हुए कल का कोई दुख, ना आने वाली कल की कोई भी चिंता। जी लेते थे, नहीं बबली, जी भर के जी लेते थे। लेकिन आई एम श्योर ऋषभ, अगर तुम उसी वक्त जानते कि ये लड़की बड़ी होकर इतनी प्रॉब्लम्स देगी तो बचपन में ही मुझसे किनारा कर लेते ना। नहीं बबली, तुम जानती हो तुम्हारी परेशानियों ने मेरी कितनी परेशानियां कम कर दी थी। बबली, मेरे बचपन को तुम्हारी उतनी ही जरूरत थी जितनी तुम्हें मेरी। पर ना मेरे घर में कौन था जिसको मेरी परवाह थी, जिसके साथ मैं हंसता खेलता, जिसके साथ मैं बोलता। ये तो अच्छा हो बबली कि तुम थी, इसलिए तुम्हारे साथ बोलता था। तुम थी तो तुम्हारे साथ खेलता था, तुम थी इसलिए मेरा बचपन बिना किसी कोशिश के गुजर गया, वरना। ऋषभ, तुम तो ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। नहीं बबली, नहीं, तुम कल भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बबली, जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ जाता है ना, तो उसे जिंदगी बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैं अपने तो भूल गया। तुमने तो मुझे जिंदगी को कोई शिकायत करने लायक ही नहीं छोड़ा, क्योंकि जिंदगी तो पलट कर मुझे ये कहेगी कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, ऋषभ जैसा दोस्त और प्रहलाद जैसा पति। मेरी छोड़ो बबली, लेकिन प्रहलाद तुम्हें बहुत प्यार करता है। आई नो ऋषभ, प्रहलाद ने मुझे जिंदगी भर का प्यार इन चंद दिनों में दे दिया है, लेकिन अब मेरी बारी है, इसीलिए मैं प्रहलाद के साथ ये शहर छोड़कर जा रही हूँ।